दोस्तों, शाहरुख खान की अगली फिल्म द किंग को लेकर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान बड़ा बयान सामने आया है। फिलहाल शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों की चर्चा पूरे बॉलीवुड में है। वहीं सलमान खान इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि शाहरुख की द किंग फिल्म की उन्होंने स्क्रिप्ट देखी है, ये फिल्म बहुत बड़े लेवल पर रिलीज होने वाली है। वहीं शाहरुख भी किंग फिल्म को बड़े लेवल पर लेकर जाने को तैयार है, लेकिन इससे पहले शाहरुख खान अपनी फिल्म द किंग की सारी तैयारी कर रहे हैं। अगले साल आपको दो बड़ी फिल्में शाहरुख की देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि अब आप शाहरुख की किस फिल्म को पहले देखना चाहते हैं। वैसे तो शाहरुख खान पठान 2 पर भी काम शुरू कर चुके हैं, जो यशराज स्टूडियो के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है। वही कुछ खबरें ये भी सामने आ रही है कि शाहरुख द किंग को पहले रिलीज करेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शाहरुख खान ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है और वो अब किंग फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख खान अभी ऋतिक रोशन के पिता से भी मीटिंग कर चुके हैं। इस साल शाहरुख अपनी फिल्मों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर एक्शन फिल्में ही होगी। वही दोस्तों, शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे, अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं। खबरों की माने तो 3 बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा 3 बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया, जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद इटली की जवान की रिलीज के साथ की और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया। और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा।